आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो गए हैं या फिर आपकी स्किन समय से पहले लटकने लगी है और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं, तो आप चाहे तो महिला हो या फिर आप पुरुष हो, ये रेमेडी आज आपके लिए स्पेशली बनाई गई है। इस रेमेडी का जो वर्क है वो 100% है। आप इसे जब यूज करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी नजर आएगा। मैं कहती हूँ आप इसे सिर्फ 7 दिन यूज करिए, 7 दिन में आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज की जो रेमेडी है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैजिक वाला काम करने वाली है। अगर आप ऐसी कोई रेमेडी की तलाश में थे जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा डैमेज लगती है, तो अब आपकी जो सर्च थी यही पर रुक जानी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से मैंने जो इसमें रेमेडी बताई है आप लोगों के लिए, ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी। तो इस रेमेडी को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन आपसे उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी छोटी सी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलना, ताकि आपकी ही तरह जिन्हें और भी प्रॉब्लम्स है वो भी इस रेमेडी को बनाकर अपनी प्रॉब्लम से निकल सके। और हाँ, एक बात और कहूंगी, आप रेमेडी के साथ साथ अपनी अच्छी डाइट पर भी ध्यान दीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए, क्योंकि अगर हम इंटरनली हेल्दी होते हैं ना तो जो रेमेडीज होती हैं वो हमारी स्किन पर और भी अच्छा वर्क करती हैं, और अगर हमारी डाइट खराब होती है और हम रेमेडीज का यूज करते हैं तो वो हमारी स्किन पर इतना अच्छा वर्क नहीं करती है। तो आपको इंटरनली भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ अब आपका, और रेमेडी की तरफ चलते हैं और बताते हैं आज की रेमेडी मैंने किस तरह से बनाई है और इसकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। ये एक नाइट क्रीम है जो मैंने यहाँ पर बनाई है, उसे आपको नाइट में ही सोने से पहले यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। तो ये रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिए हैं कपजिस, ये वही कपूर है जिन्हें हम पूजा में यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 कपूर दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे ये पूरे 2 कपूर नहीं लेने हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ 1 कपूर का यूज करूंगी। अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये रेमेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 2 कपूर का यूज करिए, लेकिन मैं इसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ। मैं अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 7 डेज के लिए ये जो क्रीम है ये बना के रखती हूँ, फिर मैं 7 दिन बाद फिर से नहीं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको 1 कपूर लेना है, उसे अच्छे से आपको क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद आप इसे किसी भी चम्मच से या जिसे आप कंफर्टेबल है उससे आप इसे दबाकर इसका बहुत अच्छा फाइन सा पाउडर बना लेंगे। पाउडर इसलिए बनाएंगे ताकि अगर ये मोटा रह गया तो आपकी स्किन पर थोड़ा सा रैशेस भी कर सकता है एप्लीकेशन के टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने इसे चम्मच से अच्छे से मैश किया है। फिर आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होती है वो हमारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करती है, हमारी स्किन पर शाइन और ग्लो लेकर आती है। और हम ज्यादातर जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में आपने देखा हो गुलाब जल और ग्लिसरीन का एक लोशन बना के तैयार करते हैं जो कि हमारी स्किन को फट जाती है तो उसमें हेल्प करता है। तो ग्लिसरीन होती है बहुत अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए। यहाँ पर हम ग्लिसरीन का यूज कर रहे हैं इसीलिए ताकि अब सर्दियां भी आने वाली हैं, सितंबर का जो आप देख रहे हैं महीना स्टार्ट हो गया है, तो ये ग्लिसरीन हमारे स्किन पर किसी भी तरह की कोई भी चिपचिपाहट या किसी भी तरह का कोई भी डैमेज नहीं करेगी। तो इसलिए आप यहाँ पर 4 से 5 या 5 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 ड्रॉप ग्लिसरीन की डाली है। फिर इसमें जो हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो क्या है, वो है हमारा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन पर शाइन, हमारी स्किन की जो फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, उन्हें रिमूव करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन पर एक गजब का निखार लाता है। अगर आप नाइट में नॉर्मली कोकोनट ऑयल की मसाज करेंगे और मॉर्निंग में इसे वॉश करेंगे हल्के से गुनगुने पानी से, तो भी आप अपने चेहरे पर जो चमक देखेंगे वाकई में आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ एक नॉर्मल नारियल के तेल की चमक के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अगर हम ये एक मिश्रण जब तैयार कर रहे हैं जिसमें हम इतनी सारी गुडनेस की चीजें एक साथ मिक्स कर रहे हैं, इनका जो वर्क है वो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा में आएगा। तो यहाँ पर हमने कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर लेंगे, उसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे ताकि जितना भी कपूर है इन दोनों में अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। फिर हम इसमें जो 4th इंग्रेडिएंट डालेंगे बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है, वो है हमारा एलोवेरा जेल। तो यहाँ पर मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है, आप यहाँ पर जितना चाहे उतना ले सकते हैं। मैंने 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मैं इसकी कम क्वांटिटी में से तैयार कर रही हूँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तैयार नहीं कर रही हूँ, ओनली 7 डेज के लिए मैं तैयार कर रही हूँ और इसको बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करना पड़ता है। मैं दिखा दूं आपको, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कितना लगाना होता है, आपको ये सिर्फ इतना सा ही लगाना होता है, इतना सा, बहुत ज्यादा नहीं लगाते हैं, आपको सिर्फ इसको ऐसे करके मसल लेना है लगाते वक्त, तो इसको थोड़ा सा ही लगाना है। और आपको इसको बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा इसे मैश करना है। जब आप इसमें एलोवेरा जेल लगाएंगे मिलाएंगे तो एलोवेरा जेल जो होता है वो थोड़ा सा इसमें डायल्यूट होने में टाइम लेगा, लेकिन जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एलोवेरा जेल को इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उस टाइम पर आप देखेंगे ये जो है एक व्हाइट जेल फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, चेंज होने लगेगा, बहुत ज्यादा फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाएगा इसका, बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसका। फिर आप इसे तब तक कम से कम आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे मिक्स करने में, फिर एकदम से ये प्लफी हो जाएगा। उस टाइम पर आप इसे किसी भी कांच के जार में स्टोर करके रख सकते हैं, आप जिस चीज में कंफर्टेबल है आप इसे स्टोर करके रख लीजिए और अपने बेड, इस क्रीम को आप अपने बेड के किसी भी साइड में रख लें और जब आप सोने जाएं उस समय आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें। जहाँ तक है सभी लोग सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धोते हैं और धोना भी चाहिए, ताकि दिन भर की जो डर्ट है वो हमारे चेहरे से हमें रिमूव करनी होती है, हमारा चेहरा ख़राब भी नहीं होता है उससे। और जब आप चेहरा धो लें उसके बाद आप इस क्रीम का छोटा सा पार्ट लें, थोड़ा सा अमाउंट लें और उसे अपने चेहरे पर बहुत अच्छे से अप्लाई करें। आपको बहुत जेंटली इसकी मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करनी है, बहुत प्यार से अपने स्किन पर इसे मसाज करें और इसे रब करें ताकि ये आपकी स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाए। और आपको ये रात में ही लगानी है, मॉर्निंग में नहीं लगानी है, रात में इसे लगाकर आपको सो जाना है, क्योंकि इसका जितना भी जो वर्क है वो रात में अच्छे से आ जाता है, और अगर दिन में आप लगाते हैं तो दिन में आपको काम भी करने पड़ते हैं। तो इस क्रीम को रात में लगाने के बाद आप सुबह इसे नॉर्मल वाटर से धो दें और लगाकर रात में सो जाएं, फिर आप जब धोएंगे तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत बढ़िया आया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक।